सबसे बड़े गुरु गुरु नानक देव जो समाज के लिए आदर्श हैं। हर साल उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी हर साल की तरह गुरुग्राम में गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व मनाया गया और इस पर्व पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गुरु पर्व के इस मौके पर करीब 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान साध संगत ने शब्द कीर्तन का आयोजन किया। वही साथ ही इस कीर्तन के दौरान सभी से अपील भी की गई कि वो किसी भी तरह के प्लास्टिक सामग्री जैसे प्लास्टिक की चम्मच, प्लेट, गिलास समेत किसी भी सामग्री का उपयोग ना करें। पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी की 553 प्रकाश पुरब की लख लख बधाई होगी। असदा जिहड़ा नगर कीर्तन सी उस सारे समूह जगत में एक मिसाल सी, जीरो वेस्ट नो प्लास्टिक। आप दसना चाहते सी बिना प्लास्टिक के भी नगर कीर्तन कटे जा सकते हैं। अजकल जिन्नी भी महामारी है वह ज़्यादातर जिम्मेवार प्लास्टिक है। तो तुम वेखो कि गुड़गांव च थां थां कूड़े पे, कूड़े चुके नहीं गए। कूड़े ना चुकन की वजह हैगा प्लास्टिक। जेडे भी कूड़े के ढेर है वो अंदर 60-70% प्लास्टिक है जेड़ा कभी ना डिजोल्व हो सकता ना खाद बन सकती है। तो आप नगर कीर्तन राही संगतों को एक मिसाल देना चाहते थे कि प्लास्टिक को अवॉइड करो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ जीवन जियो। तो अपना मोटिव सी जीरो वेस्ट जीरो प्लास्टिक। आपको बता दें कि गुरुग्राम का ये पहला ऐसा नगर कीर्तन था जिसे जीरो वेस्ट प्लास्टिक के तौर पर मनाया गया। गुरुद्वारे ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुरुग्राम को प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की। जब भी देश में कोई त्योहार मनाया जाता है तो सड़कों पर बहुत गंदगी हो जाती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। इस नगर कीर्तन में कूड़ा उठाने के लिए भी गुरुद्वारे के लोगों ने एक टीम का गठन किया जो लोग कूड़ा उठाने के लिए नगर कीर्तन की भीड़ के पीछे चल रहे थे और स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दे रहे थे। पहली बार नगर कीर्तन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और प्लास्टिक के सामान का उपयोग नहीं करने पर जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग देते हुए नगर कीर्तन को जीरो वेस्ट नगर कीर्तन यात्रा का नाम दिया गया। एंड यही खासियत है कि जो नगर कीर्तन है जीरो वेस्ट नगर कीर्तन से मनाया जाता है। जीरो वेस्ट नगर कीर्तन का मतलब है कि ये किसी भी किस्म का प्लास्टिक प्रोडक्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि एडा वा नगर कीर्तन जिसे 10,000 बंदे ने पार्टिसिपेट किया और ये असं बिल्कुल किसी किस्म का प्लास्टिक नहीं किया। आपके मीडिया के मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन करो, स्टॉप यूजिंग इट, बिकॉज इससे तरफ भी आपके पर्यावरण को भी प्रफुल्लित किया जा सकता है। एक छोटी सी पंक्ति है, पवन गुरु पानी पिता है, माता धरत महाराज। सो इट मीन्स पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती साड़ी माता है। असी इन्हों तिना बचाने, इन्हों बचाने जो भी उपराले असं कर सकते वो अपनी यंग जनरेशन आने वाली जनरेशन एक ग्रीन से क्लीन गुरुग्राम देंगे। देश में जिस तरह से प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ रहा है ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि समाज में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएं। गुरुग्राम में चलाया गया ये जागरूकता अभियान लोगों के लिए एक संदेश है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।